दोस्तों, मैं अपने चैनल होम इन 3D में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए 20x45 फीट साइज के प्लॉट का 3D एलिवेशन लेके आए हैं। अगर आपके पास भी कोई प्लॉट का साइज हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आगे आने वाली वीडियो आपके प्लॉट के साइज पे हो। तो दोस्तों, इसका बाहर से लुक आपने देख लिया है। अब आइए इस घर के अंदर चलते हैं। यह हमारा मेन गेट का एरिया। मेन गेट के एरिया के पीछे हमने पार्किंग का एरिया दिया हुआ है जो कि 13x11 फीट का है। लेफ्ट साइड में हमें बाइक पार्किंग वगैरह की जगह मिल जाती है, साथ में हमने प्लांटेशन की हुई है। ये हमारा मेन गेट का एरिया, मेन एंट्रेंस कह सकते हैं इसको। यहाँ से अंदर आते ही हमें सीटिंग का एरिया मिल जाता है जो कि 15x12 फीट का है। इस सीटिंग एरिया के पीछे हमने स्टेयर्स दी हुई है जो कि ऊपर जाने के लिए है। स्टेयर्स के नीचे हमने जो स्पेस है उसे कवर्ड का एरिया बना दिया है, जहाँ पे आप स्टोर की तरह इस कवर्ड के एरिया को यूज कर सकते हैं। यह हमारा किचन का एरिया जो कि 7x10 फीट का है। इसमें हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे बाथरूम की तरफ। यह हमारा पहला बाथरूम। इस बाथरूम के बगल में हमारा पहला बेडरूम का डोर दिया हुआ है। इस डोर से एंट्री लेते ही हम अपने पहले बेडरूम की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि 15x12 फीट का है। इस रूम से अटैच हमें एक लैट्रिन बाथरूम का एरिया मिल जाता है जिसमें आप एक बाथ टब बड़ा सा रख सकते हैं आराम से, जो कि काफ़ी स्पेस में। अब चलिए इस रूम से बाहर आते हैं और चलते हैं ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पर आपने वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं। छत पे ऊपर आते ही हमें सीटिंग का एरिया देखने को मिल जाता है जो कि 12x8 फीट का है। साथ में हमें यहाँ पे स्पेस स्टेयर्स मिल जाती है जो कि हमारे छत पे जाने के लिए यूज होती है। स्टेयर्स के नीचे हमने प्लांटेशन की हुई है। इस साइड हमारा डोर जो कि हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ जाता है जो कि 15x12 फीट का है। इस रूम में चाहे आप एक विंडो दे सकते हैं। इस रूम से अटैच भी हमें एक लैट्रिन बाथरूम का एरिया देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम ये चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। इसका साइज 10x15 फीट का है। इस रूम से अटैच हमें ये डोर मिल जाता है जो कि हमारा एक स्पेस में खुलता है जहाँ पे आप अपना स्टोर की तरह इसे यूज कर सकते हैं। साथ में हमें एक डोर और मिल जाता है इसके अंदर जो कि हमारे वॉशरूम के एरिया में जाता है।
इस रूम में हमें लेफ्ट साइड में एक विंडो मिल जाती है और विंडो के बगल में हमें एक डोर मिल जाता है जो कि हमारे बालकनी के एरिया में खुलता है। आइए चलते हैं हम अपने बालकनी की तरफ। ये हमारा बालकनी का एरिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट हो तो उसका साइज मुझे कमेंट में मेंशन करिए। हो सकता है कि आगे आने वाली वीडियो आपके प्लॉट के साइज पे हो।